नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने व्हाइल लूप के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है नंबर्स प्रिंट करना। जी हाँ दोस्तों, नंबर्स प्रिंट करना 1 to 100। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे नंबर्स प्रिंट करना है, लेकिन ये जो प्रिंट करना है नंबर, ये टेबलर फॉर्म में करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 1 से लेकर 10 तक, फिर दूसरे कॉलम में 11 से लेकर 20 तक, फिर 21 से लेकर 30 तक, और लास्ट 91 से लेकर 100 तक। दोस्तों, जब इस तरह का नंबर जब हमें प्रिंट करना रहता है तो हम यूज़ करते हैं जनरली नेस्टेड लूप। ओके, जहाँ पर रो और कॉलम्स के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। 2 फॉर लूप तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, और हमें जो सोचने वाली बात है वो ये कि यहाँ पे प्रिंटिंग होता कैसे है। प्रिंटिंग अगर गौर से आप देखें तो यहाँ पे जो भी प्रिंटिंग होती है वो आपका यहाँ पे हॉरिजेंटल प्रिंट होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 11, 21, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसे कैसे प्रिंट किया जाता है, आइए इसे हम लोग प्रोग्रामिंग से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोड ब्लॉक स्टार्ट कर लिया है। ओके, और कोड ब्लॉक मैंने एक फ़ाइल भी ले लिया है और मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस और नाम दे देता हूँ TABULAR टेबुलर .c। ओके, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड CON IOCONIO.h हैश इंक्लूड स्टूडियो stdio.h इंट मेन, उसके बाद इसी के लास्ट में रिटर्न 0 लिख लेते हैं, RETURN रिटर्न 0। ओके, और गेट CH, स्क्रीन को होल्ड करें जब हम एग्जिट हो। अब मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लिए, यहाँ पे ले लिया आई, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। ओके, तो अभी मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए और मैं लूप चला रहा हूँ FOR4, और यहाँ पर मैंने लिख दिया i=1, i <= 10 एंड i++। ओके, उसके बाद FOR4, ये जो लूप जो चल रही है j वाली, ये है कॉलम को रिप्रिंट कर रहा, j=1। ओके, j <= 10 एंड j++, और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ PRINTF printf, उसके बाद मैंने यहाँ पे परसेंटाइल d, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोज करिए मैंने यहाँ लिख दिया i=j वाले, देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये। उसके बाद printf PRINTF printf, और यहाँ पर मैंने दे दिया न्यू लाइन। ओके, कंट्रोल एस, और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये रुकिए मैं टैब यूज कर लेता हूँ। तो टैब के लिए /d, इसे कहते हैं हम लोग स्केप सीक्वेंस, और अब मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे देखिए, नो डाउट नंबर तो प्रिंट हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। ओके, ये के लिए ये टेबल प्रिंट हुआ है, गौर से अगर आप देखें। और हमें प्रिंट करना है नंबर, तो हम क्या करेंगे नंबर प्रिंट करने के लिए,
सबसे पहला मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पर गौर से यहाँ जो समझने वाली बात है, सपोज़ कि मैंने वो ले लिया पी और स्टार्टिंग वैल्यू इसकी है 1। ओके, यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि यहाँ जो भी प्रिंट होता है वो हॉरिजेंटल होता है। ओके, तो अगर मैं पहले वाले आउटपुट को देखें जो हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहले रो में क्या है, 1 है, 11 है, 21 है, मतलब 10-10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। गौर से देखिए, 10-10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और नो डाउट जो सेकेंड लूप है, यानी हमारी जो कॉलम वाली लूप है, यानी जे वाली जो लूप है, वो 10 टाइम्स चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले लूप को हमें 10 टाइम्स में चलाना है, वो सही है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 10 का। तो मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट आप देखिए, या तो आप यहाँ लिख दीजिए इस प्रकार, पी इज इक्वल टू पी प्लस 10। ओके, ये भी सही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो वो करना है, यहाँ पर मैंने पी को प्रिंट करा लिया। ओके, साथ ही साथ गौर से अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 जो दिख रहा है, 1 2 3 4, ये एक्चुअली में दे आर रिप्रेजेंटिंग रोज। ओके, तो हमें क्या करना है, देखिए सेकेंड रो में फिर 2 से 60 हो रहा है, फिर 30 से हो रहा है, मतलब तो ये जो पी की जो वैल्यू है, जब वो 91 तक प्रिंट हो जाएगा, तो फिर सेकेंड केस में क्या हो रहा है, आपका वो 2 हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके लिए मैंने पी इज इक्वल टू आई कर दिया। पी इज इक्वल टू आई यानी सबसे पहले आई जो 1 है, तो पी की वैल्यू भी 1 हो गई। ओके, और यहाँ पे इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब यहाँ पे मैंने हटा दिया। तो अब अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो देखिए ये हमारा वही आउटपुट है जो मैं हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे गौर से समझने वाली बात क्या है, गौर से जो समझने वाली बात ये है, यहाँ जो प्रिंट हो रहा है वो 1 से लेके आपका पहले 91 तक, ये क्या प्रिंट किया है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टली प्रिंट करता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी प्रिंट, हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम लोग इस पैटर्न को देखते हैं तो हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग वर्टिकली सोचते हैं, पहले 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराएंगे, उसके बाद फिर 11 से लेकर 20 तक प्रिंट कराएंगे। यही कॉन्सेप्ट गलत है। हमें क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल सोचना है कि जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं, तो उस पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक है, और ये हम लोग आसानी से लिख भी सकते हैं। ये कर क्या रहा है, ये आपका रो को रिप्रिंट कर रहा है कि जब आई इज इक्वल टू 1 है तब पहली वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ओके, उसके बाद फिर दिस की इंक्रीमेंट, तो 1 प्लस 10 11, फिर 11 प्रिंट होगा, फिर 11 प्लस 10 21 प्रिंट होगा, फिर 21 प्लस 10 31, फिर 41 51 61 71 81 91। एक टाइम आएगा जब जे की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगी, 11 पे फॉल्स हो जाएगी न्यू वैल्यू, तो नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। जैसे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो वो 2 जो है पी में साइन हो जाएगा। ओके, अब फिर से अब क्या होगा, जब दूसरे रो में पहला वैल्यू क्या है, 2 है, फिर 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 10 22। इस पैटर्न को आप समझिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, 2 प्लस 10 22, मतलब 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान है। ओके, और आप आसानी से कोई सा भी नंबर पैटर्न को आप प्रिंट करा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है हॉरिजॉन्टल पे फोकस करना है आपको, कि प्रिंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ही होता है। और ये लूप जो है, जो कॉलम वाली जो लूप है, वो कितनी बार चल रही है, इसको आपको फोकस करना है। ओके, जब आप ये काउंटिंग करना सीख जाएंगे कि कितनी बार प्रिंट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही लूप को आप जो है अपने अकॉर्डिंग आप घुमा सकते हैं, जैसा भी कंडीशन देना चाहें वैसा दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए जो इंक्रीमेंट वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो मैंने लिखा है पी इज इक्वल टू पी प्लस 10, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को हटा के यहाँ से आप अगर आप नीचे भी देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको कॉलम वाले लूप यानी जे वाले लूप के अंदर ही रखना है। अगर आप लिखते हैं पी इज इक्वल टू पी प्लस 10, ओके, तो भी सही है। और आप इसे पहले वाले आउटपुट को क्लोज कर दीजिए और दोबारा आप रन करा लीजिए। ओके दोस्तों,
तो देखिए आपका वही सेम आउटपुट आ रहा है, ओके। तो लॉजिक बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर अगर आपको समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ओके दोस्तों। और हमेशा खुशी रहिए, उत्साहित रहिए, जोशीले रहिए, ठीक है, यही मेरा कहना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।